हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ पूनम्स मिनी वर्ल्ड में। तो आज हम बनाएंगे दम आलू। घर में जो मसाले अवेलेबल होते हैं हमारे किचन में, डेली रूटीन में हम जिनका इस्तेमाल करते हैं उन्हीं से बनाएंगे, एक्स्ट्रा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया है सब्ज़ी में, फिर भी ग्रेवी कितनी गाढ़ी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ में। तो चलिए देर नहीं करेंगे, बना लेते हैं। ये 400 ग्राम के लगभग आलू लिए हैं, छोटे छोटे आलू हैं। एक सीटी लगा लिया है, एक सीटी से ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि छोटे आलू हैं तो जल्दी गल गए हैं। एक से ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, तो इसलिए एक सीटी लगाई है। इनको हम प्रिक कर लेते हैं टूथपिक से, फॉक से भी कर सकते हैं। इनका छिलका नहीं उतारा है मैंने, धोते समय जितने छिलके निकलने थे वो निकल गए हैं और बाकी इसी में हैं। नए आलू हैं तो छिलका उतारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं गैस की तरफ, कढ़ाई में डाल देते हैं तेल। तो 2 से 3 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है, कुकिंग ऑयल डाल दिया है। तेल गरम कर लेते हैं और उसके बाद हम सभी आलूओं को फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके डाल देंगे। आलू शायद गीले रहे हैं इसलिए तेल थोड़ा उछल रहा है। तो सभी आलूओं को हम डाल देंगे तेल में और गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे अभी फ़िलहाल। ये पहाड़ी आलू हैं, छोटे छोटे आलूओं की कोई भी रेसिपी अगर हम बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं नमक, तो हल्का सा नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी डाल देंगे हल्दी और आधा चम्मच के बराबर ही हम डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे अभी फ़िलहाल। और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, लो फ्लेम पर इनको भून लेंगे अच्छी तरह से। तो कंटिन्यू चलाते जाएंगे और भूनते जाएंगे, तब तक भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए आलू हमारे। तो लो फ्लेम पर आलूओं को हम ऐसे ही छोड़ देंगे भुनने के लिए, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ का प्याज कट कर लिया है बारीक, टमाटर लिए हैं, लहसुन की कलियां ली हैं, अदरक और हरी मिर्च ले ली है 2 से 3। ग्राइंडिंग जार में हम सभी चीज़ों को डाल देंगे, प्याज को नहीं डालेंगे और बाकी सभी चीज़ों को, टमाटर अदरक लहसुन और मिर्च को हम ग्राइंड करेंगे। एक चम्मच इसमें हम ज़ीरा भी ऐड कर देंगे, तो एक चम्मच जीरा डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये ग्राइंड हो गया है, अब हम आलू चेक कर लेते हैं। आलू हमारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कलर चेंज हो गया है इनका। अब हम इनको निकाल लेंगे। तो सभी आलूओं को हम निकालेंगे प्लेट में और इसमें तेल अब बहुत ही कम बचा है तो इसी में हम और तेल ऐड करेंगे, इस तेल को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 से 3 चम्मच हम इसमें तेल और डालेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। तेल गर्म हो जाए तो उसके बाद हम ज़ीरा ऐड करेंगे। तो एक चम्मच के बराबर ज़ीरा डाल दिया है, तेज़पत्ता 1 डाल दिया है 2 पार्ट करके, 2 बड़ी इलायची, 2 ही हम डालेंगे छोटी इलायची, 2 लौंग और कुछ हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च, तो 5 से 6 डाल देंगे हम काली मिर्च। इन सबको भूनेंगे अच्छे से लो फ्लेम पर, बस 1 मिनट, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखी लाल मिर्च, तो 2 डाल दी हैं सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा भून लेंगे बस 1 मिनट और। उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे, प्याज डाल देते हैं और कंटिन्यू भूनते रहेंगे जब तक कि प्याज हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखा है, लो फ्लेम पर प्याज को भूनेंगे। मसाले भी ऐड कर देते हैं इसमें, अब हल्दी डाल देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच ही हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच के बराबर डाल देंगे धनिया पाउडर। कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था, वो भी हम इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे। तो टमाटर का पेस्ट हमने डाल दिया है, टमाटर हरी मिर्च अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो ऐड कर देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो ये गाढ़ा लग रहा है, थिक हो गया है,
इसमें हमें थोड़ा सा पानी भी डालना होगा अब, तो ये जलने लगेगा अगर हमने पानी नहीं डाला तो। तो 2 से 3 चम्मच इसमें हम पानी ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर मसालों को पकने देंगे। तो अब हम इसे ढक के पकाएंगे मसालों को। मसालों को अच्छे से पकना बहुत ज़रूरी होता है, मसाले नहीं पकेंगे तो सब्ज़ी में उतना स्वाद नहीं आता है फिर। तो 3 से 4 मिनट हम मसालों को पकाएंगे ढक के। 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो अब हम चेक कर लेते हैं, ढक्कन हटा लेते हैं और मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, तेल सेपरेट हो गया है। तो मिक्स करेंगे, अब ये परफेक्ट मसाला हो चुका है सब्ज़ी बनाने के लिए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो आलू हमने फ्राई किए हुए थे। तो आलूओं का कलर बहुत ही अच्छा आ गया था, गोल्डन ब्राउन हो चुके थे आलू हमारे। तो आलू ऐड कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा थिक है, इसमें हमें पानी ऐड करना होगा। तो 1 से 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालेंगे। नमक डाल देते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी हमें ज़रूरत है, और मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर पकाएंगे जब तक उबाल ना आ जाए। जब ये उबलने लग जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और ढक देंगे इसे। तो ढककर पकाएंगे कम से कम 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, 10 से 12 मिनट के बाद हमने चेक किया था इसे, इससे पहले नहीं। सब्ज़ी अच्छी तरह से पक गई है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो इसकी ग्रेवी जो है वो काफ़ी थिक हो जाएगी। तो अब इसमें डालेंगे हम कसूरी मेथी भुनी हुई और 1 चम्मच भर के इसमें गरम मसाला। मैं गरम मसाले की जगह पे मैगी मसाला यूज़ करती हूँ तो मैंने मैगी मसाला डाला है। और सब्ज़ी हमारी बनके एकदम तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, अब इसे पकाने की और ज़रूरत नहीं है, और बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए सब्ज़ी हमारी कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही कम मसालों में। घर में जो मसाले होते हैं बस उन्हीं से बनाया है, क्रीम का इस्तेमाल भी नहीं किया है, और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।